जो वोट पड़ेगी पड़ेगी, बाकी ऐसी अभी अच्छा जो है प्रत्याशी बहुत भीड़ चल रही है। देखो वहाँ की लैंड थी खत्म हो चुकी है, यहाँ बहुत चल रहा है। 20 मिनट हो गए इसी जगह पे खड़े हुए, इसमें बाबर मशीन में दिक्कत आ रही है, वो बाबर ठीक करते हैं। यहाँ पर मशीनों की प्रॉब्लम आ रही है इस जगह पर, बुजुर्ग भी खड़े हैं ना पीछे की लाइन में, बुजुर्ग भी बहुत खड़े हैं। से कहता हूँ मशीन 5 बजे ठीक होगी, इससे पहले आपको कहता 5 बजे ये मशीन, ये हर बार का यही रोल है, ये मशीन 5 बजे सही होगी और उस टाइम धबड़ा धबड़ी होगी, जो वोट पड़ेगी पड़ेगी बाकी ऐसी। फिर कहते हैं टर्नआउट नहीं होता वोटर का, टर्नआउट पूरा नहीं हुआ। फिर कहते हैं वोटर का टर्नआउट पूरा नहीं हुआ, जितने वोटिंग है उतनी पूरी पड़ी नहीं, क्यों पड़े कैसे पड़ेगी, लोग पिछले गैप हो जा रहे हैं, कैसे पड़ेगी, कहां पर बैठे देखो पीछे है वाला इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बाहर ले आओ मैं ठीक कर दूंगा। तो इन्होंने कहा कि अगर मशीन खराब हो तो मैं मशीन ठीक कर दूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं। देखिए कितनी बड़ी है ना, वोटरों का आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं। हां और देखिए वोटर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हां जी खड़े हैं, एक घंटे का काम होगा। हां जी तो हमारे बीच में प्लेट थी जैसे इन्होंने कहा जी आप आइए, आप क्या कह रहे थे बूथ से पूछ रहे, इधर आके बोलिए, इधर आके बोलिए कैमरे में। हाँ अच्छा तो ये कह रहे कि वो खराब होगी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है कभी खराब भी हो जाता है। अभी हम वोट पा के आए हैं, इनके आने के बाद हमें एक घंटे से राहत मिली कि जल्दी चला। सात वाला बूथ वाला उनके पास आता है, कहता है कि आपकी 400 हमारी 400 हो चुकी है, आपकी 280 हुई है, तो उन्होंने फिर तेज प्रोसेसिंग करी है। उनका लिखने आने के बाद ही सर हम आपके जो चैनल है अर्थ प्रकाश उसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके वोट आने के बाद ही हमारी वोट रुको, 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 अभी एक दो घंटे और खड़ा होना पड़ता है। आपके आने के बाद ही हमारे को बहुत जल्दी फ्री करा गया, बहुत इस प्रशासन ने फैसला जल्दी लिया और हमें जल्दी फ्री कर दिया, आपको हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। शुक्रिया नहीं भैया, ये हमारा फर्ज है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा फर्ज है, देश हमारा है। मैं यही कहूँगा अगर आप लेट भी हुए हो लेकिन इसके बाद भी अपने देश के प्रति वफादारी जताते हैं, हम लोगों को भी कहो कि वोट डालने आए, वोट डालने आ रहे हैं लोग, पर थोड़ा सा बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए, पानी का लस्सी का, जैसे वो उन्होंने ऐड दिखाई थी कि लस्सी दी जाएगी बुजुर्गों को, कोई बुजुर्ग नहीं तेरा घर जा रहे हैं वापसी, फिर घर से पानी पी के द्वारा आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान भी रखा। तो आपने हमारे चैनल को अप्रिशिएट किया, इसके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पहली बार जो मतदान किया है इस शख्स ने, क्या नाम है बेटा, प्रयास, फर्स्ट टाइम मतदान किया आपने, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा तो अब ये कहिए आप अपने जैसे नवयुवकों को जो पहली बार वोट डालना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस बताइए पहले। बहुत अच्छा लगे, मैं सभी से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलकर गर्मी को मात देकर वोट डाले और मतदान को सफल बनाए। अच्छा तो आप ये बताइए इसके अलावा आप कुछ सुझाव दीजिए, जैसे पहली बार आप आए हो कि यहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम ताकि दिक्कत ना हो। गर्मी इतनी है और पानी पीने का प्रबंध करना चाहिए तो गर्मी से, और कुछ गाइडेंस के लिए यहाँ पे लोग होने चाहिए कि यहाँ आ जाइए वहाँ जाइए, जिसका बूथ है उसको वहाँ गाइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा माहौल था जी, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा था, कोई घबराहट तो नहीं हुई? कोई घबराहट नहीं जी, कोई घबराहट नहीं, पहली बार। अच्छा ये बताओ जब आपने बटन दबाया वोट का, दिल में ये लगा कुछ फील हुआ कि हाँ हम आजाद भारत के नौजवान हैं? फील तो हुआ था ही आजाद भारत के, जब भी हमारे को वोटिंग का अधिकार मिला और अगर आजाद भारत से नहीं होते तो हमारे को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। देखिए नौजवान, भारत के नौजवान जो पहली बार वोट डालते हैं तो उन अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरीके से बेहतर हो सके। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, मेरे साथ कैमरामैन राकेश जी, अर्थ प्रकाश।